स्कूलों में स्कूल कॉलेज सारे बंद है। लामा इकबाल गैस करेंगे थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन ग्रामीण प्रोग्राम ओपन फोरम के साथ मैं हूं ताहा। नाज़रीन ग्रामीण आज हम मंडी बहाउद्दीन के बाज़ार में मौजूद हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज है 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान का दिन। आज हम लोगों से पूछेंगे कि 23 मार्च को एक्चुअल हुआ क्या था और करारदाद पाकिस्तान का मकसद क्या था, और इस हवाले से इसके अलावा हम कोरोना के हवाले से भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं। इस वक्त मैं सब्ज़ी की एक दुकान के अंदर खड़ा हूँ। यहाँ पे सब्ज़ियाँ जो हैं वो ग्रो की जाती हैं और मेरे पास एक बहुत ही प्यारा मेरा दोस्त मौजूद है। क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल, मुझे ये बताओ कि सब्ज़ियाँ कब से आप बेच रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे दो साल हो। दो साल से नहीं सकते? नहीं, कभी बैठ। अच्छा, आज है 23 मार्च का दिन, स्कूल में छुट्टी है, बाजारों में बड़ी गहमा गहमी है। 23 मार्च से एक्चुअल मैं पूछने जा रहा हूँ, हुआ क्या था, पता है कुछ आपको? स्कूल जाते हो? चोट दी है। अच्छा, वैसे अंदाजा कोई अंदर तुक्का लगाओ, क्या हुआ था 23 मार्च को? तुक्का। अच्छा, कोई बंदा पैदा हुआ था, वो बड़ा बंदा? कायदे आजम पैदा देता नहीं। जो कोरोना है, कोरोना के हवाले से लोग जो है वो आ रहे हैं आपके पास, मास्क वगैरह पहन रहे कोई नहीं पहन रहे? अपना मास्क किधर है? अच्छा, सब्जी मुझे बताओ आजकल सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? अच्छा, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहोगे? पाकिस्तान आज करारदादे पाकिस्तान का दिन है, पाकिस्तान के वाले से जो दिल में आता है पैगाम दे, पाकिस्तान के वाले से। अच्छा, मुझे ये बताओ कायदे आज़म को क्या पैगाम देना चाहोगे? करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, ये देखो, ये तुम्हें कायदे आज़म वाले बात कर जाएंगे। ये देखो भाई बता रहे, 23 मार्च 1940 को बेस्टी करा देते हैं। वो मीनार पाकिस्तान देखे आपने? वो मीनार पाकिस्तान 23 मार्च की याद में बनाया गया। अच्छा, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहोगे अपने दोस्तों को? अच्छा भाई, साहब लड़कियाँ भी सलाम, साहब भाई सलाम, लड़कियों का बात क्या है, सारा क्या करते हैं साहब? सलाम रे अल्लाह ताला। क्या नाम है आपका? मुस्लिम क्या करते हो? ये नाश्ते का काम है। अच्छा, तो लड़कियों को बुलाते हो, वैसे ही निकल गए यहाँ? वैसे ही निकल गई, जल्दी कर गई, जल्दी कर निकल गई। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, ख्याल रखिएगा, ठीक है। जी तो नाज़रीन ग्रामीण, इस वक्त हम एक बाज़ार में गोश्त वाली दुकान पे मौजूद हैं। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मलक कामरान। मलक कामरान साहब, आज है 23 मार्च, 23 मार्च को क्या हुआ था? 23 मार्च को हमें तो कोई नहीं समझ आ रही क्या हुआ था। कोई वैसे कोई बंदा पैदा हुआ था, गैस करें। 23 मार्च को वो बहुत बड़ा बंदा पैदा हुआ था। आज छुट्टी है स्कूलों में, स्कूल कॉलेज सारे बंद हैं। लामा इकबाल। लामा इकबाल गैस करने को थोड़ा सा, यही हो सकते हैं और कौन? इलामा इकबाल के अलावा कोई और जो उनके कायदे आजम, यही हो सकते हैं, यही है हमारे मुल्क के लिए। अच्छा, जो मीनारे पाकिस्तान है, कभी गए हैं आप उसके ऊपर? चढ़े हैं? ऊपर नहीं चढ़े, आजकल वैसे मीनारे पाकिस्तान बना हुआ, जहाँ मर्जी चले जाओ हर चीज ऊपर। अच्छा, जो 23 मार्च को ना मीनारे पाकिस्तान हुई थी करारदाद मंजूर, वो जो मीनारे पाकिस्तान है वो उसी की याद में बनाया गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कोरोना के हवाले से लोग जो आ रहे हैं
क्या सौ पीस का ख्याल रख रहे हैं, मास्क वगैरह पहन रहे हैं? कोरोना के लिए काफ़ी लोग अब तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह, गवर्नमेंट भी काफ़ी तैयार करवा रही है। तो ये अब छोटे छोटे बाजार हैं, ये इनमें तो चल रहे हैं माशाल्लाह, सारे नमाजी हैं, तो काफ़ी लोग नमाजी हैं जो फिर पाँच टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, वजू कर रहे हैं। तो अच्छा, ये जो उनके नज़दीक कहाँ जाता है, ये जो देसी मुर्गी है इसका क्या रेट है, किस तरह किलो है? देसी जो है वो जो असल देसी है वो 800 रुपये के जी है, 800 रुपये किलो है। और जो ये की है वो 650 रुपये है। चाइना की भी देसी मुर्गी होती है? जी होती है। ठीक है, वो साढ़े इमरान खान ने नहीं दी थी? हाँ, वो पैकेज में वो चाइना ही होती है यार, वो पैकेज वाली होती है ना वो। ये तो आप इमरान खान साहब की माटी माटी छीलने की कोशिश कर रहे हैं। छीलने वाली बात ही नहीं है इसमें, उसने ठीक किया। आप यार हुक्मरान पता किस पे आता है? हुक्मरान, यकीन करेंगे आप, ये कुरान और हदीस का फैसला है। हुक्मरान जब भी आता है ना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे ना, अल्लाह पाक तुम पे वैसा हुक्मरान भेजेगा। इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, पता क्यों? कसूर किसका? जालिम हुक्मरान उस टाइम आएगा जब हम लोग जालिम। जालिम किस तरह? चाय गिर रही है आपकी, चाय तो गिर रही है। मेरी बात सुने यार, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप खुद इमरान खान ना बने, अब आप सच बताएं महंगाई कितनी ज्यादा है? ढेर सारी ज्यादा है। इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो कौन है? वो पहले पार्टियों के बंदे हैं ना, कोई नून लीग का था, कोई जरदारी का था, यही दो पार्टियां थी ना। अब इमरान खान को भी दुनिया ने आजमा रही है, तब्दीली का नाम आया हुआ है, महंगाई सर पे है, आखिरी साल आएगा महंगाई कम हो जाएगी, फिर अवाम हमारी तो है ना, ये अवाम के ऊपर बात है। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्या तब्दीली आनी चाहिए, कुछ जरा क्या, किस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर होंगे? मेरी बात सुने भाई जान, पाकिस्तान के हालात ना तो ये इमरान खान ठीक कर सकता है, ना जरदारी ठीक कर सकता है, ना नवाज ठीक कर सकता है। हमारे पाकिस्तान के हालात एक तरीके से ठीक हो सकते हैं कि हम तमाम मुसलमान अपना कुफारा अदा करें, अल्लाह को राज़ी करें। जब हम अल्लाह को राज़ी करेंगे ना, ये जितने भी हुक्मरान हैं ना, सबको अल्लाह उठा लेगा। ठीक है, पता क्यों उठाएगा? जब हम अल्लाह को राज़ी करें। ठीक है, हम अल्लाह को राज़ी करते नहीं है, न्यूज़ पर बैठी हैं और लड़कियाँ बैठी होती होती हैं। हाँ, ये इस्लामिक हमारे कानून के अंदर दीनी इस्लाम के अंदर भी देखे ना, सब औरतें सर से नंगी होती हैं, अल्लाह का नाम भी लेती हैं, मदीने का नाम भी लेती हैं, पैगंबरों का नाम भी लेती हैं, उनके सर पे दुपट्टे नहीं होते। हमारी औरतों का भी यही हाल है, नमाजी है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, मलिक आमिर साहब ने कहा कि जी अगर हम इस्लामी तालीमात पर अमल करें तो पाकिस्तान जो है उसके हालात बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के क्या बच्चा खुशहाल हो जाए? देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? देखने वालों को तो मैं यही कहूँगा कि तुम इन लोगों पर अपना ईमान ना रखो, अल्लाह पर रखो। ठीक है, तुम नमाज पढ़ो सुबह फजर के टाइम, पता है अल्लाह पाक कहाँ होता है? पता है किसी को? अल्लाह पाक इंसान के बिल्कुल करीब होता है, उस टाइम अल्लाह की रहमत होती है। अब एक महल्ले में 25 बंदे नमाजी हैं, 75 बंदे बेनमाजी हैं, तो बताओ अल्लाह की रहमत किस तरह आ सकती है? ठीक वो मुल्क कभी कामयाब हुआ? ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक आमिर साहब, जज़ाकअल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हम गला मंडी में मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत प्यारे मोहतरम हमारे भाई रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? वसीम अकरम। हाँ, वो वाले वसीम अकरम है जो वो बॉलिंग करवाते हैं कि दूसरे हैं? नहीं, बैटिंग वाले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज है 23 मार्च, तो आज का हमारा सवाल आप लोगों से ये है कि 23 मार्च को क्या हुआ था? नहीं, कोई बंदा पैदा हुआ था, जरा सोचिए कौन बंदा, बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी, बाबा कायदे आजम पैदा हुए थे। अच्छा, कायदे आजम के साथ बाबा क्यों लगाते हैं? बुनियाद रखी थी, देखें वो अभी आपको नकल भी लगवा रहे हैं। नहीं, हमें पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, वो इलामा इकबाल थी, वो इलामा इकबाल ने रखी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, और ये जो लोग आपके रिक्शा पे बैठ रहे हैं, कोई ऐसा पीस का ख्याल रख रहे हैं, कोई मास्क वगैरह लगवाते हो ना? कोई नहीं लगवाते? हम खुद नहीं लगा रहे, कुछ नहीं जी, खुद क्यों नहीं मास्क लगाते वैसे, क्यों, क्या बात है? अभी मौसम ठंडा इसलिए लगाया। अच्छा, मौसम ठंडा इस वजह से कर रहे, कुछ ठंडा मिट्टी से बचने के लिए लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे आप? आज 23 मार्च है, 23 मार्च को करारदादे पाकिस्तान मंजूर हुई थी, जो मीनार पाकिस्तान नहीं है वो उसी की याद में बनाया गया था, तो क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा सबको, सबका ख्याल रखना चाहिए, हर बंदे का ये फर्ज बनता है कि वो सबका ख्याल करे, ठीक है, वहाँ कोई अमीर है, कहाँ कोई गरीब है, ठीक है, सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे का ख्याल करें। और हम अगर खुद नहीं ख्याल करें तो हम किसी का क्या ख्याल करें? हुकूमत गलत नहीं होती, हुकूमत मेरे भाई है, बंदे गलत, हुकूमत भी गलत आती है। अच्छा चले, ठीक है, सब एक दूसरे का ख्याल। अच्छा मुझे ये बताएं, चले ये बताएं मुझे कि ये जो रिक्शा है इसका कोई नाम वगैरह रखा हुआ है? नहीं, ये तो बिल्कुल अभी बेनाम है। बेनाम है। अच्छा, क्या यहाँ पे जो कोई सवारी वगैरह आपने लेके जानी हो बिलफर्ज, यहाँ से आपने जाना है
जो लारी अड्डा है वहाँ कितने पैसे लेते हैं? अगर कोई सवारी आपको ये कि भाई मेरे को पैसे नहीं, फिर की कर दे, वैसे ही ले जाते हैं? ये माइक में कह रहे हैं, सच्ची बात है, ठीक है। अच्छा कोई गाने शाने नहीं लगाए हुए एंटरटेनमेंट के लिए? क्या करते हैं, आवाम बड़ी सताई है महंगाई से। तो हमारे पास आई है देखने, मेरे पास बड़ी बैटरी लगी है, बड़ी वो डब्बा दिया हुआ है मैंने रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो खुद गाना, खुद गा जो है वो गाना सुनाते हैं उनको, ठीक। अच्छा जी, ये हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद थे जिनको हमने बताया कि आज जो है वो करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, उन्होंने एक बात हमसे की है कि ये सवारियों को कभी कभार फ्री भी लेके जाते हैं, पता नहीं लेके जाते हैं नहीं लेके जाते, लेकिन आइंदा मेरा ख्याल है कि कभी कभार किसी ना किसी को ले ही जाएंगे। जी तो हमारा गाड़िया जो है वो चलते चलते इस वक्त सराफा मार्केट में पहुंच गया, और यहाँ पे हमारे बड़े सारे दोस्त फारूक साहब मौजूद हैं। फारूक साहब, आज 23 मार्च का दिन है, और अब हम सब लोगों से पूछे कि 23 मार्च को हुआ क्या था, आप भी हमें बताएं 23 मार्च को क्या हुआ था। आज जी 23 मार्च को यूम तकदीर मना रहे हैं हम, यूम पाकिस्तान है ये। वैसे तो मार्च का महीना हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। 23 मार्च 1940 को लाहौर शहर में अंग्रेज़ की गुलामी से निजात के लिए जनाब मोहतरम फजल मौलवी फजल हक साहब ने करारदाद पेश की, जो वो करारदाद की रोशनी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे ये दुनिया के नक्शे पर एक मुमलकत का नक्शा पेश किया, जो पाकिस्तान वजूद में आया, और इसी जद्दोजहद की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इसलिए मनाया जाता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि 23 मार्च के वाले से तो आपने बता दिया कि करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, मार्केट के वाले से बताइए आप, जूली का काम कह रहे हैं, सोने की कीमतों में क्या उतार चढ़ाव है? देखिए जी, महंगाई की वजह से तो काफ़ी जो है ना गोल्ड की मार्केट में फ़र्क है। वैसे तो गोल्ड हमेशा से ही कीमती रहा है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा है कि ये जब से गवर्नमेंट आई है ये अपना इमरान खान साहब की, तो महंगाई की वजह से लोगों के पास जाहिर है खाने पीने के लिए जो है ना वो अभी नहीं अमाउंट, वो एक एक्स्ट्रा ये हमारा काम है, वो कैसे गोल्ड खरीदेंगे, इस वजह से काफ़ी गोल्ड की मार्केट में हमें जो है ना ये फ़र्क पड़ा। अच्छा कभी कभार आके खवातीन जो गोल्ड से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, आपको आपने ये कहती हूँ कि फारूक भाई नकली जेवरात पे सोने का पानी चढ़ा रहे हैं, हमारा दिल गुजर जाता है, असल में ऐसा भी हो रहा है जी? बिल्कुल, ऐसे कस्टमर आते हैं जो हमसे ये बात करते हैं, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, ये आर्टिफिशियल पे चला जाता है, तो हम उनको कहते हैं गोल्ड। अच्छा असल में एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि गोल्ड जो भी खरीदता है उसको नुकसान नहीं होता, आप देख लें दूसरी चीज़ें, कपड़ा जूती या फर्नीचर कुछ ऐसा हो, एक तो आप वापस सेल नहीं कर सकते, वाइज गोल्ड की एक ऐसी आइटम है जो आप वापस सेल करके आपको पैसे उसमें से मिल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड का रेट जैसे उतार चढ़ाव है, आप देखें 1 साल 2 साल पहले हमारे गोल्ड का रेट क्या था, आप उससे डबल हो गया, जाहिर है फिर लोगों को उसका फ़ायदा तो होगा। मुझे तो नुकसान ही हो रहा है, मैंने आज से 5 साल पहले लेके रखा हुआ था, उधर ही पड़ा हुआ है। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, असल में एक तो जितना आप गोल्ड ज़्यादा खरीदेंगे जाहिर है प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होती है, तो आप हमारे से लें तो इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा। जी जी जाहिर है, मैं मुझे ये बताएं कि हम मलिक ज्वेलर से अगर सोना लेते हैं क्या आप जो है वो ज़्यादा सोना देंगे? असल में नहीं, ज़्यादा तो नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, जो होप लेके मेरे पास आप आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह आपको गोल्ड का मियाद वो पूरा मिलेगा, वो कभी हिसाब किताब में वजन में फ़र्क नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, जैसे आप हमें पार के दोस्त के यहाँ आएंगे इंशाल्लाह आपकी सोच में पूरा होगा। और जो है वो बातचीत कह रहे हैं कि कायदे आज़म के हवाले से कुछ कहना, क्या प्रभाव मैंने अभी दुनिया में हयात नहीं क्या? जी बिल्कुल जी, मैं अपनी तरफ से पाकिस्तानियों की तरफ से स्पेशली हमारे एक जिरगा दोस्त भाई हैं उनकी तरफ से कहना चाहता हूँ, कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तुमने दी यूं आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, उसी के साथ ही हम आज के इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, फारूक भाई ने जो नगमा गा के आपने जुल्म किया उसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।